कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों ने बढ़ाई है जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो आइसोलेशन में जाने को तैयार ही नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी कोरोना काल के ऐसे ही विलन हंगामे पर उतारे हो गए। क्वारंटाइन करने गई टीम पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की गई। चारों ओर हंगामा, अफरा तफरी, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ देने की जिद। कोरोना काल के इन विलेंस को आप भी देखिए। तस्वीरें बेंगलुरु के पडरायन इलाके की हैं। ये वो जगह है जिसे रेड जोन घोषित किया जा चुका है, यानी इस इलाके में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना काल में ये लोग सिर्फ प्रशासन ही नहीं, अपनी और पूरे शहर की मुश्किलें बढ़ाने पर उतारू हैं। बेंगलुरु के पडरायन इलाके में 58 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे। नगर निगम की टीम इन लोगों को क्वारंटीन सेंटर तक ले जाने के लिए पहुंची तो 22 लोगों ने बात मानी और खामोशी से क्वारंटीन सेंटर चले गए, लेकिन 36 लोगों ने हंगामा बढ़ा दिया। ये लोग नगर निगम की टीम के साथ उलझ गए और इनका साथ देने के लिए इनके कुछ समर्थक भी वहां आ पहुंचे और फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई। मौके पर सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन इन लोगों में उनका भी खौफ नहीं था। अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने तक ये लोग यूं ही हंगामा करते रहे। बाद में इलाके के DCP ने मोर्चा संभाला और तब जाकर हालात काबू में किए जा सके। हंगामा खत्म हो गया, लेकिन सुलगते सवाल बाकी रह गए कि आखिर कोरोना काल में ये लोग अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों और पूरे समाज के दुश्मन क्यों बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।